इस राज्य के लोगों को छला जाता है, ठगा जाता है। हमारा लक्ष्य है 9 लाख बच्चियों को इससे जोड़ना और लगभग हम लोग 4-5 लाख बच्चों को तो जोड़ का पूरा खर्चा राज्य सरकार तुमको देने के लिए तैयार है। पढ़ने वाले हमारे नौजवान क्षेत्र नौजवान लोग नौकरी चाकरी के क्षेत्र में जाएंगे, जो कम पढ़े लिखे रहेंगे उसको उसके लिए भी स्वरोजगार का रास्ता हम लोग खोल हम लोग गांव में पंचायतों में ऐसे शिविरें लगाई जाएंगी फिर से, जहां फिर 31 लाख किसान का चयन होगा और 3500 रुपया 3500 रुपया अग्रिम सहायता के रूप में उसको उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। झारखंड की राजधानी मोरहाबादी मैदान में राज्य के 23वां स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हमारे साथ उपस्थित मंच पर राज निर्माता आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी, यहाँ उपस्थित झारखंड प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे जी, यहाँ उपस्थित हमारे साथ हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी आदरणीय आलमगीर आलम साहब, यहाँ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी बड़े भाई सत्यानंद भोक्ता जी, यहाँ उपस्थित राज्यसभा सांसद महुआ मांझी जी, यहाँ उपस्थित हमारे राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जी, उपस्थित कल्पना सोरेन जी, और विशेषकर आज झारखंड राज्य के जन्म उत्सव के इस शुभ दिन पर आए हुए राज्य के विभिन्न जिलों से प्रखंडों से आप सभी माताएं बहनें किसान भाइयों बड़े बुजुर्ग हमारे छात्र छात्राएं हमारे सरकार के कर्मचारीगण पत्रकार मित्रों सरकार के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण आप सबका मैं आज इस स्थापना दिवस में अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। आज ही के दिन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इस राज्य का जन्म हुआ था और इस राज्य का जन्म कितने लंबे संघर्ष के बाद हुआ है मुझे लगता है कि झारखंड का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। झारखंड पूरे देश में खनिज संपदाओं को लेकर देश और दुनिया में बस एक अलग पहचान भी बनाता है, लेकिन साथ साथ में ये हमें मालूम होना चाहिए ये खनिज संपदा के साथ साथ ये धरती वीरों की भी धरती रही है। चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, चाहे सिद्धू कानू हो, चाहे अनेकों ऐसे वीर सपूत जो किताबों में कहानियों में उपन्यासों में आप उनके नाम को पहचाने सुनेंगे, ऐसे वीर सपूतों ने जन्म लिया। आज 15 नवंबर का भी सिर्फ स्थापना दिवस नहीं बल्कि हमारे इस
झारखंड के धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी का भी जयंती दिवस है। और हमारे पूर्वजों ने सदियों से अपने हक अधिकार की मांग को लेकर संघर्ष किया, अनेक लड़ाइयां लड़ी, अनवरत कभी रुके नहीं। झारखंड में सबसे अधिक आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक बहुलता राज्य है, जो वर्ग सदियों से शोषित होता आता रहा है। अलग अलग युग में, अलग अलग काल में हमारे पूर्वजों ने संघर्ष कर अपनी कुर्बानी, बलिदानी और सारा कुछ निछावर कर दिया। अंतोगत्वा ये लड़ाई अनवरत चलते हुए आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में लड़ी गई। अलग राज की परिकल्पना हुआ और सभी लोगों ने मिलजुल कर इस राज को अलग अस्तित्व देने में एड़ी चोटी एक कर दी। 2000 ईस्वी में राज बना और ऐसा लगा कि 2008 के बाद यहां के आदिवासी दलित पिछड़ों अल्पसंख्यकों में आमूलचूल परिवर्तन होगा, इनका समग्र विकास होगा। लेकिन आज भी अगर हम देखें सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में, इस राज्य में विभिन्न वर्गों के समाज के भीतर जो गरीबी है, जो अशिक्षा है, जो आर्थिक तंगी है, अभी भी पूरी तरीके से विद्यमान बैठा हुआ है। ना जाने कितने दिन और इस राज्य के गरीबों को संघर्ष करना पड़ेगा, यह समझ में नहीं आता था। 20 वर्ष, 22 वर्ष हो गए सरकार राज के बने हुए। इस काल में कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन इस राज के आदिवासी दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों की समस्या ज्यों का त्यों बना रहा। बहुत ही विचित्र स्थिति बन गई। फिर महागठबंधन कांग्रेस जेएमएम आरजेडी के लोगों ने इस राज्य की जो व्याप्त समस्या है उसका समाधान के लिए एक राजनीतिक जंग को जीता और 2019 में हम लोगों ने आपके आशीर्वाद से इस राज्य में सरकार बनाया, पूर्ण बहुमत की सरकार। और इतनी मजबूत सरकार विगत 20 वर्षों में कभी नहीं देखने को मिला। हां, यह बात जरूर है कि सरकारें बनी और चली, लेकिन समस्या का समाधान ना के बराबर हुआ। हम लोगों ने सरकार बनाया इस आशा उम्मीद के साथ कि 5 साल में इस राज के हर एक व्यक्ति की समस्या का हम समाधान करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये देखिए, कहावत है ना कि गरीब का किस्मत संघर्षमय हमेशा रहा है, उसी प्रकार सरकार बनते ही कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से हम लोग गिर गए। 2 साल उसमें हमारा वक्त जाया किया, सब कुछ बंद,
हाट बाजार गाड़ी मोटर सब, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, सड़कों पर आ गए, भीख मांगने की स्थिति, कई लोगों ने भूखमरी से आत्महत्या कर ली, रोजगार छीनने से लोगों ने अपनी जान दे दी, अनेकों चीजें प्रभावित किया इस वैश्विक महामारी ने। और ऐसे स्थिति में भी इस देश का सबसे पिछड़ा राज्य ये झारखंड, यहां के लोगों की सहनशीलता और संघर्ष के बदौलत हम लोगों ने कोरोना महामारी को भी बड़ी सरलता से पार किया। आपने सुना होगा कोरोना में किस तरीके से देश दुनिया में हाहाकार मच रहा था, कई राज्यों में तो लोग इतने मर रहे थे कि जलावन के लिए लकड़ी खत्म हो गया, दफन करने के लिए मिट्टी भी कम पड़ने लगा, लोग अपने मृत परिजनों का जहां तहां कोई नदी में फेंक देता था, कोई मैदान में छोड़ के चील कौओं के हवाले कर देता था, बहुत भयावह स्थिति। लेकिन उस स्थिति में भी हम लोगों ने इस राज्य में एक भी अफरा तफरी नहीं होने दिया, शांतिपूर्वक इस जंग को भी हम लोगों ने जीता है। और अब जब जीवन सामान्य की ओर जा रही है और हम जब लगातार इस राज्य की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, कोरोना जैसे सुखाड़ जैसी फिर एक भयावह स्थिति हमारे सामने खड़ा हो गया, राज्य का लगभग 155 लगभग प्रखंड सूखाग्रस्त हो चुका है, ये भी चुनौती हमारे सामने आकर के खड़ा हो गया। बहुत ही विकट समस्या इस राज्य के लिए हमेशा बना रहा, कभी लगता है व्यवस्था ने साथ नहीं दिया तो कभी कभी लगता है ऊपर वाला भी साथ नहीं दिया। जब पहले वक्त में किसानों को बीज नहीं मिलता था, खाद नहीं मिलता था, भगवान भरोसे वो लोग अपना खेती बाड़ी करता था, इस बार वक्त से पहले हम लोगों ने किसानों को बीज दे दिया, वक्त से पहले खाद दे दिया तो बारिश भी साथ नहीं दिया, बड़ी विचित्र स्थिति किसानों के साथ। ये तो हालत आज इसी वर्तमान देश दुनिया की हालात देखकर हमने ऐसे कार्य योजना बनाया जिसके माध्यम से कभी भी ऐसे चुनौती अगर हमारे सामने आए, राज्य के सामने आए, देश के सामने आए, तो इस राज्य के गरीब आदिवासी दलित पिछड़ा को हतोत्साहित होने की जरूरत ना पड़े। आज इस राज्य में जो गरीबी है, पिछड़ापन है, ये गरीबों के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होता है। गरीब को देखकर हर कोई उसको गले नहीं लगा सकता, बल्कि उसको अपने से दूर रखने का कोशिश करता है। गरीबी अशिक्षा इतना खराब चीज है, इतना बुरा अभिशाप होता है। आप लोग सब जाकर के बैंक में जाइए और अपना रोजगार के लिए लोन का अप्लाई कीजिए, अपना शिक्षा ऋण के लिए अप्लाई कीजिए, अपना स्वरोजगार के लिए अप्लाई कीजिए, खेती बाड़ी के लिए अप्लाई कीजिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए अप्लाई कीजिए, तो देखते हैं कि कितना बैंक आपको लोन देता है। आपको लोन इसलिए नहीं देगा कि आज इस राज्य में सीएनटी एसपीटी कानून की जमीनें हैं, इसलिए नहीं देगा। यहां के आदिवासी दलित पिछड़ों को कितनों को बैंक लोन देता है जरा बता दो, कोई नहीं देता। इसलिए इस बार सरकार आपके लिए गारंटर भी बन करके और बैंक भी बन करके आपके दरवाजे दरवाजे जा रहा है, आपको स्वरोजगार देने का काम कर रहा है। और भी मिनिमम बहुत कम
इंटरेस्ट पर आपको ऋण मुहैया करा रहा है और उसने भी अनुदान के साथ। ऐसा कोई बैंक आपको करके देगा? यहां किसान का लोन अगर 10,000 रुपया नहीं चुकता करता है तो तुरंत बैंक का नोटिस आ जाता है और केस मुकदमा हो जाता है बेचारा किसान पर। और वहीं बड़े बड़े पूंजीपति व्यापारी लोग लेके पैसा विदेश भाग जाता है, उसका कुछ नहीं होता। इस राज्य का बड़ा दुर्भाग्य गरीबों के साथ हमेशा रहा है। तो हमने ऐसे कार्य योजना बनाई जिससे हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करे, चाहे वो बिरसा हरित ग्राम योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री पशुधन योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हो, चाहे नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना हो, चाहे फूलो झानो आशीर्वाद योजना हो, अनेकों ऐसी योजना हमने चलाई। और हमने ऐसी योजनाओं का चयन किया जो इस राज्य के ग्रामीण, जो हमारे किसान भाई है, यहाँ के आदिवासी दलित पिछड़ा भाई है, जो लोग उस काम को कर सकते हैं वैसे कार्य योजनाओं को हमने बनाया, ताकि आपको कोई बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा सर्टिफिकेट का जरूरत ना हो उस रोजगार को आगे बढ़ाने में। और हमारा यह मानना है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगा तभी राज्य का समग्र विकास हो सकता है, नहीं तो संभव नहीं है। गांव राज्य का जड़ होता है, गांव देश का जड़ होता है। अगर जड़ मजबूत नहीं होगा तो पेड़ भी मजबूत नहीं खड़ा हो सकता है। कोई हल्का सा झोंका में वो पेड़ टूट के बिखर जाएगा। आज इसी को लेकर हम लोगों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऐसे महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई, ताकि हमारी गरीबी जो राज में कुंडली मार के बैठा है उसको हम लोग धक्के मार के बाहर निकाल सके। आज पंचायत पंचायत आपके दरवाजे में शिविरें लग रही हैं। कभी ऐसा आपने देखा 20 सालों में कभी आप लोगों ने पंचायत पंचायत गांव गांव में पदाधिकारियों को शिविर लगा करके आपके समस्याओं का समाधान करते हुए देखा? झारखंड के इतिहास काल में तो हमने कभी नहीं सुना। लेकिन आज वही व्यवस्था, कोई फोटोकॉपी मशीन लेकर, कोई कंप्यूटर लैपटॉप लेकर गांव में शिविर लगा करके यहां के लोगों का समस्या का समाधान कर रहा है। आज ये झारखंड का जो भौगोलिक बनावट को हम देखें तो ऐसा भौगोलिक बनावट है जो बहुत लोग पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के नीचे, नदी के किनारे, जंगल के अंदर ऐसे सुदूरवर्ती जगह पे रहते हैं जहां पदाधिकारी लोग जाने से कतराता है। लेकिन आज पदाधिकारी कोई ट्रैक्टर में, कोई मोटरसाइकिल में उन जगहों पर जा करके गरीबों, हमारे गांव के लोगों की समस्या का समाधान कर रहा है। और वो इसलिए है कि विगत 20 वर्षों में ग्रामीण, इस राज्य के किसान मजदूर ग्रामीणों की तो समस्या का निदान की बात तो छोड़िए, इस राज्य में कर्मचारियों का भी मनोबल इतना टूटा जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आज इस राज्य के कर्मचारियों का भी मनोबल को बढ़ाते हुए, उसका हौसला अफजाई करते हुए हम लोगों ने उनका ओपीएस का कानून पास किया और आज हंसी खुशी जंगलों में जा जाकर के ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का काम कर रहे हैं। हर वर्ग के कर्मचारी के चेहरे में आज मुस्कान है, पदाधिकारियों का प्रमोशन हो रहा है, नियुक्तियां लगातार हो रही हैं। विगत 20 वर्षों में जेपीएससी में जो खेल हुआ किसी से छुपा नहीं,
कितना नौजवानों का भविष्य खराब हो गया, ये किसी से छुपा नहीं। लेकिन इस बार जो लगातार आज के दिन में हजार बच्चों का नियुक्ति हम लोगों ने आज इस मंच से दिया जेपीएससी के माध्यम से, इससे पहले 250 बच्चों को हम लोगों ने नियुक्ति दिया जेपीएससी के माध्यम से, जो आज कोई बीडीओ, कोई सीओ, कोई कलेक्टर बन गए, विभिन्न जिला में कार्यरत है। और सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि उन 250 बच्चों में 32 बच्चे ऐसे थे जो बीपीएल परिवार से आते थे, जिसका मां बाप मजदूर था, जिसका मां बाप आंगनबाड़ी सेविका सहायिका था, किसान था। ऐसे बच्चे आज बीडीओ सीओ कलेक्टर बनकर के हमारे राज्य के लोगों के सेवा में लगे हुए हैं। कभी ऐसा आप लोगों ने सुना 20 वर्षों में? और आज कई ऐसी चीजें, आज इस राज्य में शिक्षा का अभाव और शिक्षा मजबूत नहीं होने की वजह से भी इस राज्य के लोगों को छला जाता है, ठगा जाता है और ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आज इसी को लेकर इस बार हम लोगों ने विशेषकर बच्चियों के लिए सावित्री भाई फूले किशोरी समृद्धि योजना लाया। इसके माध्यम से हमारा लक्ष्य है 9 लाख बच्चियों को इससे जोड़ना, और लगभग हम लोग 4-5 लाख बच्चों को तो जोड़ भी लिए हैं। हमारी उन किशोरी बच्चियों को जब 18 साल की होंगी वो एक मुश्त इनको 40,000 रुपया मिलेगा। और हम यहां बैठे उन बच्चियों से कहना चाहेंगे कि 18 साल के बाद अपना पढ़ाई मत छोड़ना। तुम इंजीनियर बनना चाहते हो, तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, तुम वकील बनना चाहते हो, तुम कुछ भी इस राज्य में बड़ी पढ़ाई करना चाहते हो, उसका पूरा का पूरा खर्चा राज्य सरकार तुमको देने के लिए तैयार है। एडमिशन होगा उसके बाद तो देगा ही देगा सरकार, बल्कि उसकी तैयारी करने के लिए भी सरकार तुमको प्रोत्साहन राशि देने के लिए तैयार है। कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो लिखो, अपना नाम कमाओ, राज्य का नाम रोशन करो। और तो और ऊंची पढ़ाई के लिए अगर विदेश भी तुमको जाना हो तो विदेश में भी पढ़ाई के लिए राज्य सरकार आपको 100% स्कॉलरशिप पर भेजने का काम करेगी। ये देश का पहला ये राज है जहां आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए पूरा स्कॉलरशिप देती है। कहीं नहीं है पूरे देश में, और कोई आदिवासी, दलित, पिछड़ा का बच्चा लोग विदेश में नहीं पढ़ सकता था। अब ये भी बच्चे जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अभी तो 25-30 बच्चा हमारा अभी विदेश में पढ़ाई कर रहा है, जो 1-2 साल के बाद जब झारखंड आएगा तो झारखंड की तस्वीर को भी बदलने का प्रयास करेगा। कई ऐसी चीजें जिसको लेकर हम नींव मजबूत करना चाहते हैं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी मजबूती के साथ खुद का भी विकास करे और इस राज्य का भी विकास करे। आज हम लोगों ने विशेष अभियान के तहत आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चलाया। मैं यहां बैठे हुए मंच के सामने लोग, मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों की तरफ से और आवाज सुनना चाहता हूं, क्या गांव में शिविर लग रहा है कि नहीं? बूढ़ा बुजुर्गों को पेंशन मिल रहा है कि नहीं? चलिए कुछ तो
हिलडुल हो रहा है, अब ऐसा लग रहा है। और यही वातावरण कैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बना रहे, पूरे राज्य में बना रहे, ये सरकार की परिकल्पना है। अभी ये हम लोगों ने एक विशेष अभियान चलाया था एक महीने के लिए इन योजनाओं को लेकर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक महीना के बाद ये योजनाएं खत्म हो जाएंगी। ये विशेष अभियान था, एक महीना के बाद भी इन योजनाओं का आप लाभ ले सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा जो आप सरकार आपके दरवाजे में गई थी, तो सरकार को और भी काम करने के लिए अपने कार्यालय में भी बैठना पड़ेगा। तो आप लोगों को भी ब्लॉक ऑफिस में, जिला हेडक्वार्टर में आकर के अपनी इन योजनाओं का लाभ लेना पड़ेगा। आपको बुलाने के लिए, आपको जगाने के लिए शिविर हमने लगाया था कि आपके लिए क्या क्या हम कर रहे हैं। जो शिविर में आया, जो योजना लेने का इच्छा रखा, उसको मिल गया। देखो कितना ट्रैक्टर लगा हुआ है, देखो कितना टेम्पो लगा हुआ है, कितना गाड़ी लगा हुआ है बाहर में, लोग भाड़ा में चलाएगा और अपना रोजगार सृजन करेगा। नहीं तो अभी टेम्पो उम्पो भी और ट्रैक्टर भी दूसरा का, किसी व्यापारी का ला करके चलाना पड़ता है और रोजी रोजगार चलाना पड़ता है। हमने देखा है रांची में, कई शहरों में, यहां पर रिक्शा भी लोग चलाते हैं, तो किसी व्यापारी का रिक्शा होता है, दिन भर चलाता है और शाम को उसका कमीशन जो होता है वो दे करके घर जाता है बेचारा। क्यों दूसरा का रिक्शा चलाएगा, क्यों दूसरा का टेम्पू चलाएगा, क्यों दूसरा का ट्रैक्टर चलाएगा, क्यों नहीं यहां नौजवान अपना ही गाड़ी का मालिक बने और रोजगार अपना कमाए? क्यों किसी का आप ये में खटिएगा, किसी के अंदर में आप अपना मालिक बनिए। अभी हम लोगों ने इस अभियान के तहत एक महीने का जो अभियान था उसमें लगभग 54 लाख आवेदन हम लोगों को प्राप्त हुआ पूरे राज्य में, 54 लाख। और इसमें लगभग 45 लाख लोगों ने ये 54 लाख आवेदन दिए। इसका मतलब गांव में कोई जाता ही नहीं था, गांव में इतनी समस्या थी, किसी भी 20 सालों में इसकी शुद्धि नहीं ली। दुर्भाग्य रहा 20 साल इन राज्यों में का, 22 साल। और आज इन 54 लाख में लगभग 35 लाख जो समस्या के आवेदन थे उसको उसी शिविर में ही हम लोगों ने खत्म कर दिया। 54 या 35 लाख का समस्या का समाधान हो गया। इससे पहले भी 2021 में हम लोगों ने शिविर लगाया था, उस समय भी 30-35 लाख हम लोग को आवेदन आए थे। कितनी चिंता की बात है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में इतनी समस्या है, लेकिन उस समस्या का समाधान करने के लिए कोई तैयार नहीं। तो कई ऐसी चीजें हैं, अगर हम बातें करना शुरू करें तो ये समय भी बहुत कम पड़ेगा। आप लोग बहुत दूर दराज से आए हैं, ठंड का भी मौसम है, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर आपको आश्वस्त करता हूं, जिस तरीके से हम लोगों ने विगत 20-21 वर्ष भगवान भरोसे इस राज्य को छोड़ दिया, आपका आशीर्वाद रहा, आपका इसी तरीके से हमें आशीर्वाद मिलता रहा, तो आने वाला समय ये राज भगवान के भरोसे नहीं बल्कि ये राज अपने भरोसे पर खड़ा होगा और अपनी ताकत पर खड़ा होगा। कई ऐसी चीजें हैं जहां हमें अभी काम करने की आवश्यकता है और बहुत गति से
काम करने की आवश्यकता है। अभी ये डोर टूटा तो फिर वही ढाक के तीन पात, जहां से चले थे वही आके रहेंगे। इस राज का जो अभिशाप है, जो गरीबी है, उसको दूर करने का हमने संकल्प लिया। इस राज में जो अशिक्षा है, उसको दूर करने का संकल्प लिया। कई हम लोगों ने शिक्षा के लिए योजना बनाई, वो आपने अभी अभी देखा कि कैसे कैसे योजनाएं यहां पर आने वाले हमारी पीढ़ी के लिए हमने प्रारंभ किया है। और तो और, हमारे जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, ये प्राइवेट स्कूल को देख करके कभी कभी उन लोग के मन में कसक जागता है कि काश हम भी यहां पर पढ़ते, लेकिन माँ बाप का पैसा ही उतना नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाए बेचारा। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोगों के लिए भी प्राइवेट स्कूल से बढ़िया स्कूल हम बना करके तैयार कर रहे हैं, और काम चल रहा है। लगभग वो काम बहुत हद तक कई जगह पे पूरा होने की स्थिति पर है। और उन स्कूलों में जो शिक्षक होंगे, जो प्रिंसिपल होगा, जो वाइस प्रिंसिपल होगा, जो टीचर होगा, उन सभी शिक्षकों का ट्रेनिंग हम अभी IIM में करवा रहे हैं। चिंता मत करो, वो भी सुसज्जित स्कूलों में से एक होगा। पंचायत हो, प्रखंड हो, जिला हो, सभी जगह, लेकिन फेज वाइज इसको हम लोग शुरू करेंगे। अगला सत्र हमारा प्रयास है कि उन स्कूलों में पढ़ाई हम शुरू कर दें, इसीलिए बहुत गति से उसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान भाई हैं, 20 वर्षों में यहाँ के खेतों में पानी नहीं पहुंच पाया, बड़ा दुर्भाग्य है। खेत का पानी तो छोड़िए, पीने का पानी भी साफ से नहीं पहुंच पाया। और हम लोगों ने आने वाले समय में बहुत बृहद कार्य योजना बनाते हुए आगे हम काम करना हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया। आपका यूं ही साथ मिला तो अगले 5 साल में इस राज्य के हर एक खेत में पानी पहुंचाने का काम ये सरकार करेगी। पढ़ने वाले हमारे नौजवान क्षेत्र, नौजवान लोग नौकरी चाकरी के क्षेत्र में जाएंगे, जो कम पढ़े लिखे रहेंगे उसको, उसके लिए भी स्वरोजगार का रास्ता हम लोगों ने खोला है। जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं उनके लिए भी हम लोगों ने दरवाजे खोल रखे हैं। आज मुख्यमंत्री पशुधन योजना हम लोगों ने प्रारंभ किया है, गाय बकरी सुअर मुर्गी सब बांटा जा रहा है। सिर्फ जानवर ही नहीं, बल्कि जानवर जिसमें रहेगा वो घर भी हम लोग साथ साथ में दे रहे हैं। दिक्कत क्या है, दिक्कत कहां है? इसीलिए ऐसी व्यवस्था हम लोग खड़ा करना चाहते हैं। अभी आप लोग इस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अधिकतर राशन कार्ड के भरोसे जी रहा है, अपना जीवन चला रहा है। गरीबी इतनी, पिछली सरकार में 11 लाख राशन कार्ड से लोगों का नाम हटा दिया गया। गरीबी इतनी कि हम लोगों की मजबूरी बन गई और 20 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड बना के बांटना पड़ा। गरीबी इस राज्य में इतना कि हम लोगों को पूरे राज्य में सर्वजन पेंशन करना पड़ा। यह देश का पहला राज है इस राज्य में सब बुजुर्गों को, सब विकलांगों को, सब एकल महिलाओं को, सब विकलांगों को, विधवा महिलाओं को पेंशन दिया जा रहा है। हम ऐसी वातावरण बनाना चाहते हैं कि आने वाला 10 सालों के अंदर हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था हम इतना मजबूत करेंगे कि हमारा जितना भी राशन कार्ड में जीने वाले लोग अपना राशन कार्ड फाड़ फाड़ कर जलाने का काम करेगा। ये हमारी सोच है। आज थोड़ा महंगाई उंगाई को लेकर भी चिंता काफी बढ़ा हुआ है, लेकिन इसको लेकर हमारा भी लगातार नजर है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, कोरोना जैसा चुनौती को हम लोगों ने पार किया। किसानों के लिए भी अभी सुखाड़ की राहत के लिए 200 लगभग 250 प्रखंडों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, और अभी इस स्थापना खत्म होने के बाद
पुनः गांव में पंचायतों में ऐसे शिविरें लगाई जाएंगी फिर से, जहां फिर 31 लाख किसान का चयन होगा और 3500 रुपया 3500 रुपया अग्रिम सहायता के रूप में उसको उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। तो कई ऐसी चीजें हैं, मैं चाहता हूं अपनी बातों को यहीं समाप्त करूं और आपको वापस जाने के लिए भी आपको समय लगेगा। इन्हीं बातों के साथ आज के इस झारखंड के ऐतिहासिक दिन पर कई ऐतिहासिक बातें भी आपने सुनी। अभी हम लोगों का 11 तारीख 11 नवंबर का दिन, हमें भी नहीं पता था 11 नवंबर झारखंड के इतिहास के लिए इतना महत्वपूर्ण दिन होगा। आपको मैं बताता चलूं कि 11 नवंबर को 11 नवंबर 1908 का दिन है जहां इस राज्य में सीएनटी कानून लागू किया गया था और 11 नवंबर ही पिछला साल का है जहां हम लोगों ने सरना धर्म कोड पारित किया था और ये 11 नवंबर ही है 2022 जहां हम लोगों ने 1932 और ओबीसी का आरक्षण देने का काम किया। ये संयोग बस है, आदरणीय गुरुजी हमारे समक्ष बैठे हैं जिन्होंने ये राज बना करके हमें सौंपा, आज उनके नेतृत्व में ये राज मिला, आज उनके आशीर्वाद से ये सरकार बन रहा है और ये हमारी सरकार आपको 1932 देने का काम और ओबीसी देने का काम किया है। ये सौभाग्य की बात है, ऐसा संयोग बहुत कम बनता है, इसलिए ऐसे ही अग्रसर राज को और आगे बढ़ने का और मनोबल के साथ स्वाभिमान के साथ जीने का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास हम सब लोग करें। इन्हीं बातों के साथ आज के शुभ अवसर पर यहां उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे।